काफी देर हो चुकी थी, अमन की कॉल नहीं आई थी। सिमरन कब से अपने फोन पर टकटकी लगाई हुई थी। अचानक अमन की कॉल आई, उसने सभी से कहा प्लीज आप लोग बाहर चले जाओ ना। सबने सिमरन को बहुत छेड़ते हुए उस कमरे से विदा ली। हमारी शादी होने वाली है, इस एक लाइन में ही एक अलग खुशबू, एक अलग रंग था जो सिमरन के चेहरे पे सुनते ही खिल गया। उन दोनों की बातें चलती गईं और बस चलती ही गईं। इस शादी की तैयारी में सिमरन के पापा ने अपने खून पसीने की सारी कमाई लगा दी थी। बेटी की शादी थी, बोझ तो नहीं पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उस जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए कोई कमी नहीं छोड़ी पापा ने। पर कुछ लोग अंदर ही अंदर खुश नहीं हो रहे थे, कुछ लोगों का पेट अभी भी नहीं भर रहा था। बाय द वे एक बात तो बताना ही भूल गया मैं, सिमरन और अमन की लव मैरिज हो रही थी, तो दोनों के चेहरे का नूर भी अलग ही लेवल पे था। सिमरन के पापा दहेज में जो कार देने वाले थे उसकी डिलीवरी लेने के लिए गए हुए थे, उसकी मम्मी नहीं थी। शायद आज वो सबसे ज्यादा मिस करने वाली थी उन्हें। उसका भाई बैंड वाले और कैटरिंग वालों से बात करने गया हुआ था। तैयारियों में यूं ही कुछ दिन गुजरे और फिर वो दिन आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, 5 फेब। यही दिन सिमरन और अमन के लिए भी बहुत खास था, क्योंकि इसी दिन आज से 4 साल पहले वो पहली बार मिले थे। यही उनके रिलेशनशिप की एनिवर्सरी डेट भी थी और इसी दिन उनकी शादी भी हो रही थी। हुआ ना कितना खास दिन। चारों तरफ एक खुशी का माहौल था, होता भी क्यों नहीं, एक प्यारी सी गुड़िया दुल्हन बनने जा रही थी। बेचारी सिमरन हर तरफ से गिरी हुई थी, कोई उसके हाथों पर मेहंदी लगा रहा था तो कोई उसके हाथों में कंगन पहना रहा था। जो लड़की बचपन में गुड्डे गुड़ियों के साथ शादी शादी खेला करती, आज वो खुद अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। हर लड़की का सपना होता है अपने आप को दुल्हन के रूप में देखना, किसी की दुल्हन बनना, मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। बाकी दिन कैसी भी दिखे, लेकिन इस दिन दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखना चाहती है हर लड़की। बस उसी खूबसूरती की तैयारियां चल रही थी और खूब जोर शोर से हमारी सिमरन को सजाया संवारा जा रहा था। लड़की वाले अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, उधर लड़के वाले अपनी तैयारियां कर रहे थे। शाम हुई, घुड़चड़ी हुई, सब लोग नाचते गाते झूमते बैंक्वेट हॉल तक पहुंचे। इधर सिमरन भी रूम में जोर शोर से तैयार हो रही थी, क्योंकि अमन उससे पहले से देखना चाहता था, तो सिमरन अपनी एक फोटो क्लिक कर रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने तुरंत उसके हाथ से फोन खींच लिया और कहा इतनी भी क्या जल्दी है जीजू को, थोड़ा तो तड़पने दो। वक्त बीता, सारे मेहमान आ चुके थे, लड़के वाले भी पहुंच गए। सिमरन के पापा और भाई ने उनका वेलकम किया। अमन अपने सिंहासन पे जा बैठा और इंतजार करने लगा। इतने में डीजे वाले बाबू ने गाना बजाया, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बेहद खूबसूरत साड़ी में सिमरन पलके झुकाए आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के आ रही थी। ये मंजर देख के अमन की आंखें खुशी से नम हो गई। ये सपना सिर्फ लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का भी होता है, खुद को दूल्हे के रूप में देखना और उसी का दूल्हा जिससे वो प्यार करते हैं। सिमरन अपने सिंहासन जा पहुंची। फिर कुछ देर बाद दोनों ने एक दूसरे को मालाएं पहनाई, सारे मेहमानों ने फोटोज क्लिक कराए। वो रात धूमधाम से दोनों की शादी हुई, बिना किसी कमी के, बिना किसी परेशानी के। यही कुछ दिन बीते, तभी एक दिन अमन के पापा सिमरन के पास आए और बोलते हैं कि बिजनेस के लिए उन्हें 1.5 लाख रुपयों की ज़रूरत है, तो तुम अपने पापा से कहो पैसे लेकर आज शाम तक आ जाएं। सिमरन ने अमन से बात करी, लेकिन उसने भी कहा हाँ मंगवाओ। सिमरन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि उसे पता था उसके पापा ने शादी में अपना सब कुछ लगा दिया था, अब उनके पास सिवाय गुजारे के कुछ नहीं था। लेकिन बढ़ते दबाव में उसको हार के कहना पड़ा, और कहने के बाद उसके पापा ने इधर उधर से उधार लेकर 1.5 लाख रुपए जोड़े और देकर चले गए। कुछ दिन और बीते, इस बार 3 लाख की डिमांड करी घर वालों ने अमन के। सिमरन पे दबाव और ज्यादा बढ़ने लगा। इवन इस बात के पीछे कई बार अमन ने उस पर हाथ भी उठाया, और इस पिटाई में अमन के घर वाले भी उसको सपोर्ट करते।
आरती सिमरन कई बार सोचती कि पुलिस कंप्लेंट कर दूं, लेकिन अमन और उसकी फैमिली की बदनामी नहीं करवाना चाहती थी सोसाइटी में, इसलिए वो मार भी सहती। अमन की मम्मी ने सिमरन के गहने भी देखने के बहाने अपने पास रख लिए थे। बचे कुचे गहनों को बेच के उसने 3 लाख रुपयों का इंतजाम किया। उसको घर में खाना भी सही से नहीं दिया जाता था, उसकी हालत खराब होती जा रही, उसको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, उससे उसका फोन भी छीन लिया। अब वो घर उसके लिए किसी जेल से कम नहीं था। फिर अचानक एक दिन अमन बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था और उसकी मम्मी मंदिर गई हुई थी, तभी अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। सिमरन ने गेट खोला तो अमन के पापा खड़े हुए थे नशे में धुत, और नशे में ही उन्होंने कहा अपने बाप से कह के 2 लाख रुपए का इंतजाम कर आज रात तक, वरना ये जो माचिस की तिल्ली है ना, इसी से तुझे राख कर दूंगा। और मना करने पर वो सिमरन के ऊपर झपटे और उसके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करने लगे। सिमरन ने पूरी जान से उनके पैरों के बीच में लात मारी और भागते हुए उस घर से सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची और पहुंचकर पुलिस वालों को पूरी की पूरी कहानी बता दी। घसीटते हुए अमन के पापा को पुलिस स्टेशन लेकर आए, उसकी मम्मी को पकड़ के लाया गया और अमन को भी तुरंत बुलाया गया। डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, अटेम्प्ट टू रेप, तीनों के केस में जेल में डाल दिया गया। सिमरन सीधे अपने घर पहुंची और अपने पापा को गले लगा के फूट फूट के रोने लगी और उन्होंने बस एक ही बात बोली, बेटा इतना दर्द सह रही थी, एक बार बताती तो, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपना बच्चा सही सलामत आ जाए वही काफी होता है। सिमरन ने कहा, पापा मुझे नहीं पता था ये लोग इतने लालची निकलेंगे, मैं आपकी इज्जत पे आज नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए चुपचाप सहती गई। उसके पापा ने बोला, बाप की इज्जत उसकी बेटी से होती है और कुछ नहीं बेटा। दहेज मांगना भी गलत है और दहेज देना भी। अमन और उसकी फैमिली तो गलत थी ही, लेकिन अगर सिमरन पहली बार दहेज मांगने पर पुलिस कंप्लेन कर देती तो बात कभी इतनी आगे नहीं आती। ये बात मैं इस देश की तमाम लड़कियों से कहना चाहता हूं जिनकी अभी अभी शादी हुई है या होने वाली है। अगर आपके साथ ये चीज हो रही है तो प्लीज दहेज देके इसको सपोर्ट मत करो, इसके अगेंस्ट खड़े हो, पहले मना करो। अगर कोई धमकियां दे रहा है और नहीं मान रहा है तो सीधे पुलिस कंप्लेंट करो। एक बाप अपनी बेटी जिंदगी भर के लिए तुम्हें दे रहा है, इससे बड़ा और क्या दहेज चाहिए तुम्हें। इंडिया में हर घंटे एक लड़की अपनी जान गंवा देती है दहेज प्रथा की वजह से, या तो वो मर जाती है या उसे मार दिया जाता है। बंद करो ये दहेज प्रथा।